Like the video, subscribe to the channel, and also press the bell icon for latest video updates. नमस्कार बच्चों, मैं अमित कुमार गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक साइंस का टॉपिक पढ़ा था, ईंधन या फ्यूल। उस टॉपिक में हम लोगों ने कोयले तक पढ़ा था और विभिन्न प्रकार के ईंधन के प्रकार पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस फ्यूल्स के बारे में पढ़ा था, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में पढ़ा था। और मैंने कहा था हम शीघ्र इसका नया पार्ट लेके, अगला पार्ट लेके आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोयले उसके चारों पार्ट्स के बारे में पढ़ा। आज हम उसी चीज़ के, क्योंकि कोयले से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं या खासकर उनके कमर्शियल प्रोडक्ट, वाणिज्यिक उत्पाद के बारे में, और उससे जुड़े हुए कुछ मुद्दे हैं। इस स्लाइड में या इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से यहाँ से और कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं। आज हम लोग पेट्रोलियम, कोयले के प्रोडक्ट और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं। एक शब्द, एक स्लाइड आपके सामने दिख रही होगी, भंजक आसवन, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, भंजक आसवन। तो इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस देखे जाते हैं, क्योंकि यह वह प्रक्रिया है, एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसको बहुत ही उच्च तापमान पर लगभग 1300 से 1700 केल्विन के बीच में होती है, कि इतने तापमान पर, इतने अधिक तापमान पर कोयले को जलाया जाता है। और यह कैसी प्रक्रिया है? एनारोबिक, मीन्स ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसमें कोयले को हम जलाते हैं। और हमें बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट मिलते हैं और एग्ज़ाम में हमें इन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे हम लोग देख भी दे रहे हैं कि कोयला हो, कोक हो गया, कोयला गैस हो गई, गैस कार्बन हो गया, कोल तार हो गया, अमोनिया लिक्वर हो गया, या अमोनिया वाटर जिसको हम कहते हैं। तो ऐसी एक एक चीज़ के लिए हम पढ़ेंगे। लेकिन आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आता है कि कोक कौन सी प्रोसेस से प्राप्त किया जाता है, तो हमें क्या बताना है? भंजक आसवन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। या आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि अमोनिया लिक्वर, जो अमोनिया पानी है, अमोनिया शराब है, क्या होती है? हम लोग आगे पढ़ेंगे इन चीज़ों को एक एक करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसी चीज़ को इंग्लिश में देखेंगे। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको अपने नोट्स के रूप में देखेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को शिकायत थी कि सर हिंदी में बताया जाता है, इंग्लिश में नहीं। तो मैंने ये पूरा प्रयास किया है कि बच्चों को पूरा मटेरियल इंग्लिश में भी मिल जाए, तो ऐसी कोई समस्या अब आपके सामने नहीं रहेगी। तो ये फ्रैक्शनल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिससे हमें बहुत से कॉमर्शियल प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। आपको दो चीज़ें यहाँ याद रखनी है कि ये कैसी प्रक्रिया है। यहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो नहीं, बिल्कुल नहीं होती है, या बहुत ही लीस्ट अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में हमें इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन डिस्ट्रक्टिव मीन्स चीज़ है उसको डिस्ट्रक्ट मीन्स छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना, डिस्टिलेशन उसके वाष्पीकरण से हमें मिलती है, इसलिए हम इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, और हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। चलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं, इनको देखते हैं आगे। कोक, तो आपके सामने एक स्लाइड है कोक। कोक क्या है? कोक कोयले या कोयले का एक फॉर्म है। और ये कैसा है? देखने में एक सॉड होता है, भुरभुरा है, पोरस से होता है हमें। और ये भी हमें कैसे मिलता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, भंजक आसवन से। इसमें हम क्या करते हैं, इस पर भी कोयले को जलाते हैं और जलाने से हमें मिलता है। और इसका हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? स्टोव में, स्टोव मीन्स गैसों में चूल्हा। और ये फर्नेस, फर्नेस आपके एग्जाम में आया होगा, फर्नेस में किसका यूज़ करते हैं? फर्नेस मीन्स जैसे हम लोग देखते थे घरों में कि पुराने समय में, जैसे जो आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, उसमें बड़ी बड़ी फर्नेस भट्टी होती हैं, उनमें जला दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, लगभग 98% इस फॉर्म में हमें कार्बन मिल जाता है। तो बहुत अधिक शुद्ध रूप है कोक कोयले का, कार्बन का। तो इसलिए हमें ये एक प्रोडक्ट के रूप में कमर्शियली इसका यूज़ होता है। आज इसका बहुत अधिक नहीं होता, लेकिन इसको जलाने से हमें क्या होता है, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स मिलते हैं। तो आपको कोयला के जलाने से हमें क्या क्या मिलता है, जैसे मिलता तो नहीं कहेंगे, लेकिन कौन सी गैसें जो प्रदूषणकारी गैसें हैं? तो हमें एक CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये चीज़ें हमें, और ये पॉल्यूटेंट्स हैं। जब हम लोग अपने एटमॉस्फेयर का टॉपिक पढ़ेंगे तो इनके बारे में किस किस चीज़ के आती हैं, कहाँ कहाँ रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अभी एक चीज़ समझ सकते हैं, जैसे आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि जो आपके वाहन हैं, कि गाड़ियों से कौन सा धुआं निकलता है, तो वह धुआं पूछता है। तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और आपको नॉर्मल फैक्ट्री वगैरह से, फैक्ट्रियों से कौन सा धुआं निकलता है? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में, कार्बन डाइऑक्साइड। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयला जलाया जाता है तो हमें क्या मिलता है? CO2। जब ऑक्सीजन नहीं होता तो हमें क्या मिलता है? CO, ठीक है। इन चीज़ों का हमें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं, हमें ध्यान रखना है। लेकिन बाई प्रोडक्ट कहाँ यूज़ होता है, चलिए आगे देखते हैं। कोक, इसको हम लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे, सेम चीज़ है, सेम नोट्स है, इसको पढ़ लेंगे, आगे देखते हैं। कोयला गैस, कोल गैस कहते हैं इंग्लिश में इसे हम, बहुत है। तो कोयले को क्या किया हमने?
और गर्म कर दिया, उसको गैस फॉर्म में हमने प्राप्त कर लिया। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कोल गैस क्या है, तो क्या देख रहे, हाइड्रोजन मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है ये, हाइड्रोजन गैस मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, इन चीज़ों का मिश्रण है। ठीक है, तो क्या क्या होता है हमारा, हाइड्रोजन मीथेन और कार्बन, ये चीज़ हमें एग्जाम के लिए याद रखना है कि कोयला गैस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। और कोयला गैस इसका हम लोग लाइट के लिए करते हैं यूज़, हीटिंग के लिए फैक्ट्रीज में इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, गैस कार्बन, ये भी गैस कार्बन एग्जाम में हमें इससे याद रखना है कि देखिए गैस कार्बन कार्बन के फॉर्म में, गैस के रूप में होता है, लेकिन ये हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है। इसमें क्या किया जाता है, एक बंद कंटेनर में, एक कंटेनर, उसमें बंद कंटेनर किया जाता है, उसको इतना ज़्यादा हीट किया जाता है कोयले को कि वो क्या होता है कि जो गैस है उसका उसकी दीवार में पाउडर के फॉर्म में चिपक जाता है। फिर उसी को इकट्ठा कर लिया जाता है ठंडा करने के बाद, और इसका हम लोग एक यूज़ करते हैं। तो कैसा ये पदार्थ है, हल्के स्लेटी कलर का, धूसर कलर का पदार्थ है ये भी। हमें दो चीज़ें याद रखनी है, बंद कंटेनर, एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट हमें बंद कंटेनर करके प्राप्त किया जाता है, तो हमें क्या बताना है, गैस कार्बन। और इसका हम लोग कई जगह यूज़ करते हैं, विशेषकर कूलेंट में, रेफ्रिजरेटर में, ठंडा रखने वाले पदार्थों में, जैसे हम लोगों ने कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ा, न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट के रूप में हम किसका, शीतलक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं उसको ठंडा रखने के लिए, तो हम क्या बताएंगे, गैस कार्बन। कार्बन की एक रॉड लगा दी जाती है, उसमें बीच में एक लुब्रिकेंट्स का काम करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको, गैस कार्बन इंग्लिश मीडियम के बच्चे देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे अपने। आगे देखते हैं कोल तार, तो कोल तार ये भी कोयले का एक उत्पाद है, लेकिन गाढ़ा लिक्विड पदार्थ है, तरल पदार्थ होता है, जो कोयले से है, कोयले को क्या किया, गर्म किया गया, उसके गैस की जगह अब हमने उसका क्या यूज़ किया, लिक्विड पदार्थ किया। देखिए इस चीज़ का प्रोडक्ट मेडिकल और इंडस्ट्रियल एरिया में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा, इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत यूज़ होता है, और विशेषकर हमारी स्किन की बीमारियों में। तो आपको एग्जाम यहाँ पे स्लाइड पे भी दिख रहा है, तो हमने दो चीज़ें लिखी हैं, एक सोलोरोसिस, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, सोलोरोसिस एक हमारी स्किन की बीमारी है, स्किन की बीमारी में इसका यूज़ किया जाता है। तो कई बार का क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम, सोलोरोसिस कौन से अंग से संबंधित बीमारी है, तो स्किन, इसके हम उपचार में किस चीज़ यूज़ करते हैं, किस चीज़ के बने पदार्थों का, कोल तार का। तो देखते हैं हम लोग देख रहे थे ये पैराबैग्नी अल्ट्रावायलेट थेरेपी के द्वारा, तो पैराबैग्नी किरण आपको लेज़र किरणों के माध्यम से आपका इलाज किया जाता है, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है, हम लोग एक मेडिसिन के रूप में इसका यूज़ करते हैं। ये क्या करता है हमारे कि एक प्रकार से जो हमारी स्किन है, स्किन पे ये डाला जाता है, तो हमारी कोशिकाओं की वृद्धि को ये धीमा कर देता है, और धीमा करने के कारण ये हम इसके उपचार को कर ले जाते हैं। तो आपके एग्जाम में CDS में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कोल तार किस तरह से ठीक करता है, तो ये क्या करता है, डेड सेल्स हमारी जो स्किन के डेड सेल्स को हरा कर नरम त्वचा हटा देता है और नई त्वचा को बढ़ने से रोकता है। ठीक है, तो इस तरह से ही हमें बीमारियों से बचाता है। और अल्ट्रावायलेट थेरेपी में हम किसका यूज़ करते हैं, तो इसी प्रोडक्ट का हम यूज़ करते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, तो इंग्लिश वाले बच्चे देख लेंगे, इंग्लिश मीडियम में हम लोग इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अमोनिया लिकर, अमोनिया शराब, तो ऐसी चीज़ आ गई है, अमोनिया, अमोनिया ये गैस है, अमोनिया, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, ये भी एक कोयले के प्रोडक्ट, कोल प्रोडक्ट है, इसको भी हम लोग इसी चीज़ में यूज़ करते हैं, बहुत सारा कॉमन है। अब इसका कॉमन नाम, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बिल्कुल फैक्चुअल टॉपिक्स हैं ये, हमें याद करना है इनका क्या क्या कहते हैं। अब जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अमोनिया शराब या अमोनिया लिक्विड है, अमोनिया पानी है, क्या है ये, किस चीज़ से प्राप्त है हमें। ठीक है, तो ये भी फ्रैक्शनल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, कोयले से मिला एक प्रोडक्ट है। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग पेय पदार्थों में, कागज़ इंडस्ट्रीज़ में, और न्यूट्रलाइजेशन में, स्टेबलाइजर में, इन जगहों पर हम इनका यूज़ करते हैं। फार्मास्यूटिकल दवाई उद्योग में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो अमोनिया लिक्विड याद रखना है, कहाँ से प्राप्त हो रही है, कौन सी प्रक्रिया से प्राप्त हो रही है, और किन चीज़ों में इसका व्यापारिक कमर्शियल यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अमोनिया लिक्विड को हम लोग इंग्लिश में भी देखेंगे, जो बच्चे इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं इंग्लिश में नोट्स बनाएंगे, बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोल ऑयल, कोयला तेल। ठीक है, कोयला तेल, केरोसिन, केरोसिन तो सभी जानते हैं, जिसको हम लोग पैराफिन भी कहते हैं, पेट्रोल,
लैम तेल, कोयला तेल, ये सभी शब्द हैं जिसके लिए हम क्या कहते हैं कोल, कोयला, क्योंकि पेट्रोलियम भी कोयला जिससे लगभग मिलता जुलता चीज़ है, तो कोल ऑयल, पैराफिन तेल, लैम्प तेल, लैम्प, क्योंकि लैम्प में हम लोग लालटेन में जलाते हैं इसको, इस तरह से इसका यूज़ है हम लोग कर सकते हैं। तो कम्बशन इंजन्स में इसका यूज़ करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का एक फॉर्म है ये, और व्यापारिक है विमानन के से, तो कई बार आपके क्वेश्चन आता है विमानों में कौन सा यूज़ होता है, पैराफिन, तो पैराफिन में यूज़ करते हैं इसका। हम क्या कहते हैं एरोप्लेन का ऑयल, फ्यूल है ये हमारा, तो ये भी क्या क्या अब गैसिफिकेशन, जैसे एक आपसे बहुत पहले एक स्ट्रेटजी आई थी, क्या हुआ था साउथ अमेरिका, साउथ सॉरी साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में एक टेक्नोलॉजी आई, तो उन्होंने क्या किया कोयले को हीट करके उन्होंने पेट्रोलियम में बनाना शुरू कर दिया था, तो वो पेट्रो कोयले का गैसिफिकेशन किया जाता है, उससे लिक्विड प्राप्त किया जाता है, तो ये उससे प्राप्त होने वाला एक ईंधन है। आगे बढ़ते हैं, पेट्रोलियम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है पेट्रोलियम, और ये भी एक हाइड्रोकार्बन्स है, पृथ्वी में एक ऐसा हल्का पीले गाढ़े कलर का बदबूदार निकलने वाला पदार्थ है। तो हमें जो चीज़ें याद रखनी है, पेट्रोलियम हमें कहाँ कैसी चट्टानों से मिलता है, तो ये भी हमें अवसादी सेडिमेंट्री रॉक से मिलता है, अवसादी चट्टानों से मिलता है। लेकिन आपको चीज़ याद रखना है, कोयला भी अवसादी चट्टानों में मिलता है, पेट्रोल भी अवसादी पेट्रोलियम भी अवसादी चट्टानों से मिलता है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों ही मिलते हैं, लेकिन जो हमारा कोयला है, कोयला ऐसी चट्टानों से मिलेगा जो सूखी जगह पर, ठीक है, लेकिन जो पेट्रोल हमें मिलता है वो गीले से, एक्वा सेडिमेंटरी रॉक से, मीन्स जहां पर पानी होगा उसके आसपास। इसलिए हम भी जब भी देखते हैं तो पेट्रोलियम कैसे क्षेत्रों से हमें मिलता है, पेट्रोलियम उन क्षेत्रों से मिलता है, अक्सर देखते हैं समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे, हर देश में जब पेट्रोलियम, चाहे अरब में, इराक, सऊदी अरबिया में देख लीजिए आप, चाहे भी जहाँ भी पेट्रोलियम देखेंगे, या तो उसके किनारे झील होती है, बड़ी सी नदी होती है, या समुद्र के किनारे होते हैं, भारत में भी, गुजरात में, महाराष्ट्र में भी, असम में भी, तो ऐसी जगहों पे जहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स कैसी होनी चाहिए, लिक्विड होनी चाहिए वहाँ पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम कैसी चट्टानों से प्राप्त होता है, तो अवसादी चट्टान। देखिए पेट्रोलियम अपने आप में एक शब्द है, हाइड्रोकार्बन से पेट्रोलियम, ठीक है, लेकिन इसमें पेट्रोलियम में भी बहुत सारे पदार्थ जो हम देखते हैं ना, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, नाफ्ता, बिटुमिन, एस्फॉल्ट जिसको हम कहते हैं, मोम कहते हैं, वैक्स, ये सब पेट्रोलियम से ही प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। अब आपसे क्वेश्चन आता कि पेट्रोलियम से तो मिलते हैं, वो किस तरीके से प्राप्त किए जाते हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने जैसे अभी कोयले के लिए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पढ़ा था, वैसे कोयले का कोयला पेट्रोलियम को शुद्धिकरण के लिए जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन, क्या कहते हैं इसे हिंदी में, प्रभाजी आसवन। तो आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम का परिष्करण प्यूरिफिकेशन कौन से प्रोसेस से किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, कोयले का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, जिसको हम लोग हिंदी में भंजक आसवन कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, और पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन से। फर्क क्या है दोनों में, ऐसा क्यों दो प्रोसेस आए हैं। देखिए आपसे एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि कहाँ पे हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं, कहाँ पर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं, तो ऐसे पदार्थ जिनके बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी अंतर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी अधिक, मीन्स कोई 100 पे मिला, दूसरा में 600 पे मिला, 800 पे मिला, 1200 पे मिला, और भंजक यहाँ पे ऐसे पदार्थ जिनके बॉइलिंग पॉइंट में कम अंतर होता है, तो ये अंतर है दोनों में। तो आपसे क्वेश्चन आया वो एग्जाम में कि कैसे पदार्थों को हम प्रभाजी आसवन की विधि से शुद्ध करते हैं, तो जिनके बॉइलिंग पॉइंट में मिनिमम कम अंतर होता है, और किसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या भंजक आसवन से प्राप्त करते हैं, जिनके बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी कम अंतर होता है, सॉरी काफ़ी अंतर, काफ़ी मीन्स अधिक अंतर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान ध्यान में रखना है, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, कोयले का शुद्धिकरण डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, बिल्कुल याद रखना इंपॉर्टेंट। चलिए आगे हम लोग देखें, अच्छा एक पॉइंट और, पेट्रोलियम में और क्या मिल रहा है हमें, पेट्रोलियम किस चीज़ का कंपाउंड है, यौगिक है, तो हाइड्रोकार्बन्स के साथ साथ उसमें सल्फर, इसीलिए जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको देखते हैं, जैसे कि आप लोग बहुत सारे लोगों ने देखा होगा गाड़ियाँ जब हम लेते हैं तो उसमें हमें एक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट प्रदूषण बनवाना पड़ता है, तो आप जाते हैं तो वहाँ पे आपकी गाड़ी में धुआं में क्या चेक किया जाता है कि आपके पेट्रोल या डीजल में उसमें सल्फर का अमाउंट कितना निकल रहा है, तो
क्या चेक किया जा रहा है वहाँ पे पोल्यूशन में? सल्फर। तो याद रखना है हाइड्रोकार्बन्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा चीज़ें क्या है वो सल्फर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको इंग्लिश वाले बच्चे देख लेंगे। नेक्स्ट करते हैं, पेट्रोलियम का प्रभाजी आसमान, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ। अभी जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, इसको समझा भी है, तो पेट्रोलियम के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। प्रभाजी आसवन ये क्या करता है कि पेट्रोलियम को हम जब गर्म करते हैं, कई पदार्थ हैं तो अलग अलग टेम्परेचर पे हमें भिन्न भिन्न पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसमें क्या होता है, जो कच्चा तेल हमारा क्रूड ऑयल जिसको कहते हैं, इसको प्योरीफाई किया जाता है और हमें बहुत अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर्स पे हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं एक समान हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूलर संरचना पे। ठीक है, भिन्न भिन्न क्वथनांक मिलते हैं। जो ही चीज़ जो मैंने आपको समझाई है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं, सेम चीज़ इंग्लिश में, इंग्लिश के बच्चे इसको फॉलो करेंगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, हमें उससे कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने एक पिक्चर है, इसमें क्या किया गया, एक फर्नेस है, भट्टी है, जिसमें हम लोग एक तरफ से क्रूड ऑयल डाल रहे हैं और क्रूड ऑयल डिफरेंट टेम्परेचर्स में हमें बड़े अलग अलग प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो क्या क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले सबसे ऊपर रिफाइनरी गैस हैं, सबसे कम टेम्परेचर पे मिल जाते हैं और उसके बाद इन्हीं को हम लोग अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स के रूप में यूज़ करते हैं। फिर हमें पेट्रोल मिलता है लगभग 70 डिग्री टेम्परेचर पे, फिर नाफ्ता मिल रहा है 120 डिग्री टेम्परेचर पे, केरोसिन 170, डीजल 270। देखिए तीन चीज़ हमें याद रखना है एग्जाम में, अलग सबके टेम्परेचर कि किस तापमान पे क्या मिलता है, हमें सबको नहीं रखना है, लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि कितने तापमान पे पेट्रोल मिल रहा है, किस तापमान पे हमें केरोसिन मिल रहा है और किस टेम्परेचर पे हमें डीजल मिल रहा है। तो ये चीज़ याद रखना है। तो इसको हम कितना बताएंगे, 70, 170 और 270। ठीक है, तो ये चीज़ हमें कितने कितने टेम्परेचर पे मिल रहे हैं, ये चीज़ हमें तीनों का टेम्परेचर याद रखना, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर ये प्रोडक्ट हमें प्राप्त कर रहे हैं। और इसमें में हम देख रहे हैं जैसे जैसे ये टेम्परेचर अधिक होता जा रहा है ऊपर से नीचे की ओर, और हमें जो बिल में प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो जितना कम टेम्परेचर पर चीज़ मिल रही है वो कमर्शियली क्या है, महंगी है, लेकिन जितना अधिक बॉइलिंग पॉइंट पे वो मिल रहा है वो चीज़ें हमारी सस्ती होती जा रही हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो जो मैं बता रहा हूँ अधिक तापमान के साथ साथ क्या हो रहा है, उनके मॉलिक्यूल भी बड़े हो रहे हैं, थिकर हो रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट भी सस्ते होते चले जाए। लास्ट में हमें एस्फॉल्ट या डामर वगैरह मिलते हैं, सेफ प्रोडक्ट मिलता है। चलिए हम एक एक चीज़ को, इन्हीं प्रोडक्ट्स को हम लोग आगे डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि उनसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन तीन को हमें ध्यान में रखना है बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं, तो चलिए एक प्रोसेस है, आगे बढ़ते हैं, क्रैकिंग। तो क्रैकिंग क्या होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन, भाई क्रैकिंग क्या होता है, किससे संबंधित है? तो क्रैकिंग एक प्रक्रिया जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स को, मींस जटिल हाइड्रोकार्बन्स को सिंपल हाइड्रोकार्बन्स चेन में ब्रेक कर देते हैं। अभी हमें क्या मिला, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब क्या किया हमने, उसको भी हमें ब्रेक करना है, तो उसको भी हमें ब्रेक करने के लिए पेट्रोलियम के पदार्थों को ब्रेक किस में, किस माध्यम से किया जाता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्रैकिंग या हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, सॉरी क्रैकिंग प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस टू ब्रेक डाउन द हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर टू सिंपल मॉलिक्यूलर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं पेट्रोलियम गैस। तो सबसे पहले हमें क्या मिला, गैस के फॉर्म में मिल रहे थे, तो पेट्रोल गैस के लिए पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस में हमारा क्या है कि जितना भी हमें पेट्रोलियम मिलता है उसका लगभग 20% पेट्रोलियम का 20% हमें गैस के रूप में मिलता है। और पेट्रोलियम गैस में कौन सी हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, इथेन जैसी हाइड्रोकार्बन गैसें होती हैं। कौन कौन सी, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, हाइड्रोकार्बन, हमें ये याद रखना है कौन कौन सी गैस पेट्रोलियम गैस कहलाती हैं, पेट्रोलियम के प्यूरिफिकेशन से हमें प्राप्त होती हैं। अब ये कैसे प्राप्त होती हैं, हम इनको हाई प्रेशर पे इन गैसों को क्या करते हैं, कंप्रेस भी किया जा सकता है, कंप्रेस करते हैं हम इन्हें, और कंप्रेस करके क्या करते हैं कि कम जगह पे अधिक गैस आ जाती है। अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, एक सिलेंडर में बहुत थोड़ी सी गैस आएगी, कंप्रेस किया गया थोड़े में बहुत सारी गैस आ जाती है। इन्हीं गैसों को हम लोग फ्यूल के रूप में, लास्ट क्लास में जिन लोगों ने देखा होगा, तो हम लोग इन सब चीज़ की वहाँ पे पहले ही लास्ट लेक्चर फ्यूल, जो फ्यूल फर्स्ट पार्ट था, उसमें हम लोगों ने कैलोरीफिक वैल्यू, वहाँ पे हम लोग क्या बनाया था कि ऊष्मीय मान सबसे अधिक कौन से ईंधन का होता है, गैसों का, कहाँ कहाँ यूज़ हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग, जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देखेंगे, क्योंकि मैं उस चीज़ को यहाँ पे चर्चा
नहीं कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए देखते हैं, एलपीजी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, जिसको हम लोग घरेलू गैस भी सॉरी कहते हैं एलपीजी। इसमें क्या होता है, मुख्यतः हमारा प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर बनती है। तो एलपीजी में हमारा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम घरेलू सिलेंडर में भी भरते हैं, तो इसमें आपसे क्वेश्चन आएगा घरेलू सिलेंडर एलपीजी में हम क्या भरते हैं, तो प्रोपेन और ब्यूटेन। देखिए ये एलपीजी कैसी गैस, एक गंधहीन गैस है, इसमें हमें सुगंध नहीं आती है नेचुरली। अगर वैसे तो हमारा सिलेंडर लीक करता है, हमें अजीब सी बदबू आती है, लेकिन जब ये बनती है एलपीजी तो उसमें कोई किसी प्रकार की कोई गंध नहीं आती। तो कैसी गैस है, ये ऑर्डरलेस है, गंधहीन गैस है, बहुत ही हल्की होती है, ये आसानी से उड़ जाएगी। अगर वहाँ पे कोई आग लग गई तो क्या तुरंत विस्फोट होगा। तो इसको पहचानने के लिए, इसके लीकेज को पहचानने के लिए हम इसमें एक पदार्थ मिलाते हैं। तो यही आपसे क्वेश्चन आता है, वो पदार्थ क्या एलपीजी में मिलाया जाता है, इथाइल मरकैप्टन। ये पदार्थ कौन सा है, इथाइल मर कैप्टन। तो वो पदार्थ है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन है कि एलपीजी के रिसाव को पहचानने के लिए, दुर्घटना से बचने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। देखिए एलपीजी गैस एक एनेस्थेटिक है, बहुत ही ज़्यादा नहीं लेकिन कम है एनेस्थेटिक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मीन्स आप ऐसी जगह फंस जाएँ जहाँ एलपीजी का रिसाव हो रहा हो, तो क्या होगा आपका, आपको दम घुटने लगेगा, थोड़े समय में आप बेहोश हैं और लगातार हो गए तो उसमें आपकी डेथ भी हो सकती है। तो एक एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में भी होती है। ये क्या करती है, कई बार इसके बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, अगर ये हमारे शरीर पर बहुत अधिक समय तक लग जाए तो ये क्या करेगी, हमें एक बूंद बहुत ऐसा लगेगा हम जल गए हैं, लेकिन जलते हम किससे हैं, आग से हैं, लेकिन ये क्या करता है, हमें जला देता है वहाँ पर इतना, क्योंकि इस हमारी त्वचा पर इतना ज़्यादा वाष्पीकरण, जो भी हमारी मॉइस्चर है उसको उड़ा देगा और हमारे शरीर पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी पड़ जाते हैं। तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ठंडा जलना, मीन ठंडा जल नहीं सकते लेकिन हम जल सकते हैं। और इसका एक हम प्रत्यक्ष उदाहरण अपने जीवन में भी देखते हैं, जैसे हमारी विक्स हैं या आप बॉम यूज़ करते हैं, वो भी क्या हैं, सेम ऐसे ही प्रोडक्ट हैं। वहाँ आपको जब लगाते तो ठंडक महसूस होती है, ठंडक क्या है, वो ऐसा तो है नहीं कि उसमें एसी लगा हुआ है या बर्फ़ है उसमें, ऐसा नहीं है। उसमें क्या करता है, आपकी त्वचा पे लगाया तो त्वचा में जैसे ही आपने रब किया तो वहाँ पे क्या है, वो वाष्पीकरण आपकी नमी को उड़ाने लगता है और नमी को उड़ा देता है और हमें ठंडक महसूस, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, हाई से लो, लो से हाई की तरफ जाता है और हमें वहाँ ठंडक महसूस होती है, उसी प्रक्रिया पे काम करता है। तो एलपीजी अच्छा भी है तो, लेकिन उसके लिए सीमित खाना पकाएं तो ठीक है, नहीं तो ये नुकसान भी कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस चीज़ को यूज़ करेंगे अपने नोट्स के लिए प्रॉपर। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारे पास देखिए एग्ज़ाम में कई तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं और हमारी आम लाइफ में, जीवन में भी एलपीजी का हम लोग खाना बनाने में यूज़ करते हैं, कमर्शियल यूज़ है, इंडस्ट्रियल यूज़ है, तो कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। हम रोज़ सिलेंडर उठाते हैं, मम्मी कहती है, पापा कहते हैं, जाओ सिलेंडर उठा के ले आओ, भरवा लाओ, लेकिन कभी देखते नहीं है कि जिस चीज़ को हम उठाए हुए हैं उसमें कितनी गैस भरी थी। आते हैं न्यूज़ में एडवर्टीजमेंट आती है कि अपने सिलेंडर को तौला के लीजिए, या वो आपका जो सिलेंडर है वो किस कलर का है। चलिए तो हम बहुत बेसिक क्वेश्चंस देख रहे हैं कि एलपीजी जो आपके सिलेंडर होते हैं घरेलू सिलेंडर, तो ये पूरी तरह से रेड कलर का होता है। लेकिन दूसरा सिलेंडर जो हमारा कॉमर्शियल, जैसे हम देखते हैं होटल पे लगते हैं, होटल्स पे ऐसे वाणिज्यिक कलर सिलेंडर कहते हैं इनका, ये कैसा होता है, पूरा नीले कलर का है लेकिन बीच में स्ट्रिप इसमें कैसी है, रेड कलर की। लेकिन घरेलू सिलेंडर पूरा रेड होता है। और इसमें वजन कितना होता है, कितनी गैस होती है, तो 14.2 किलो नेट वेट, जो गैस भरी होती है हमारी एलपीजी 14.2 किलोग्राम होती है। और जो हमारे कमर्शियल होते हैं इसमें 19 किलो गैस आती है, और जो औद्योगिक सिलेंडर इंडस्ट्रियल होते हैं इसमें 47.5 किलो। इस लेकिन इस सिलेंडर कैसा होता है, ये भी ब्लू कलर का होता है, बीच में इसमें रेड कलर की स्ट्रिप है, लेकिन इसका ऊपर जो शोल्डर पोजीशन है जहाँ पे हम उसको उठाते हैं ये भी रेड होता है। तो ये तीनों हैं, तो इसको आसान क्वेश्चन है, ध्यान करेंगे खासकर वेट का इनका। आगे देखते हैं, तो कई बार मैंने देखा एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं कि जब गैस सिलेंडर हैं तो अन्य गैसों के भी सिलेंडर के बारे में हमें थोड़ा सा एक कॉमन से बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस बन सकते हैं। अलग अलग कलर के अलग अलग गैसों के सिलेंडर हैं, जैसे हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं ऑक्सीजन चढ़वाइए, अब आपसे बोल दिया कि जाके भाई ऑक्सीजन ले आओ, अब वहाँ हीलियम का सिलेंडर ना उठा ले कोई, ठीक है, अब जिसकी प्रैक्टिस होती है जो जानता है, लेकिन एक आम आदमी के रूप में हमें इनको थोड़ा सा देखना। तो अलग अलग से गैसों के अलग अलग सिलेंडर, उनके एक सिंबल्स होता है, तो कलर कोड ऑफ गैस सिलेंडर्स अलग अलग हैं। तो आप इसको जैसे एक दो चीज़ें याद रखना, सारे याद नहीं करने की कोशिश करती, जैसे हाइड्रोजन का कैसा है हमारा, रेड कलर का आता है, ऑक्सीजन का कैसा है हमारा, ब्लैक कलर का आता है, और जो प्रोपेलेंट्स होते हैं, प्रोपेलेंट्स जो हमारा सेकेंड है, ऊपर हमारा ब्लू है नीचे ब्लैक है, प्रोपेलेंट्स क्या होते हैं,
ये हमारे रॉकेट के फ्यूल होते हैं, रॉकेट के फ्यूल होते हैं, तो इनको हमें ध्यान रखना है। हम लोग इस पर पूरा टॉपिक लाएंगे कि रॉकेट ईंधन, उसको भी हम बताएंगे। एयर, वायु का सिलेंडर, जैसे लिखता नहीं है, हम लोग साइकिल में हवा ख़त्म हो जाती है तो वहाँ देखते हैं तो कहता है हवा भरा, वहाँ पर लिखा रहा है ऑक्सीजन नहीं भरता है आप में, ऑक्सीजन हॉस्पिटल में, लेकिन जब वो आपका गैस इसमें भरता है तो कौन सी किस चीज़ का सिलेंडर डाल रहा है, वो हवा वाला आपका जो आता है एयर, आपका ग्रे कलर का होता है, हल्का सा धूसर कलर रहता है। तो अलग अलग, ऐसे टेलीन का है, ऐसे ही हीलियम का है, ठीक है, ब्राउन, तो अलग अलग, सब सारे हमें नहीं आते, विशेषकर हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, आपको नाइट्रोजन का, ऐसी चीज़ों को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक बहुत ही नॉमिनल नॉर्मल क्वेश्चन से याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक दो चीज़ें चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन आता है कि जो आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन, कृत्रिम श्वसन, कृत्रिम श्वसन, आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन, सॉरी हिंदी, कृत्रिम श्वसन, ठीक है, आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन हम लोग पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन मीन्स जो आदमी खुद से नहीं ले पा रहा है। तो आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन में हमारी कौन सी गैस यूज होती है, तो ऑक्सीजन, कहते हैं ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, संपीड़ित करते हैं, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, कंप्रेस करके, लेकिन अगर हम प्योर ऑक्सीजन को संपीड़ित करके मरीज को दे देंगे तो कंप्रेस्ड ऑक्सीजन बहुत -183 डिग्री सेंटीग्रेड पे की जाती है, जितनी ज़्यादा कंप्रेस की जाएगी तो क्या होगा, बहुत ठंडी होगी, और अगर हमने इसको मरीज को कंप्रेस फॉर्म में दे दिया तो वो मर जाएगा। तो इसमें ऑक्सीजन के साथ हम क्या मिलाते हैं, हीलियम। तो आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में कि मरीजों को जो ऑक्सीजन चैम्बर में रहते हैं कौन सी गैस का मिश्रण दिया जाता है, तो ऑक्सीजन और हीलियम का। जो गोताखोर हैं मरीज को, जो हमारे डाइवर्स होते हैं गोताखोर, पानी में जाते हैं ना सिलेंडर बांध के, तो उनको भी ये दी जाती है। और हम लोग देखते हैं ना इनहेलर, इनहेलर मीन्स बहुत सारे को अस्थमा, बहुत सारे लोगों को अस्थमा होता है, वो क्या करते हैं, देखते हो इतनी बड़ा पाइप जैसा होता है इंस्ट्रूमेंट, उसको स्विच करके बार बार करते तो उनकी सांसें ब्रीथ, तो किस चीज़ की गैस का लेते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम, इसका मिश्रण होता है उसमें, ठीक है, इन जो फॉर्म में होता है, बहुत संपीड़ित मात्रा भी कम जगह में काफ़ी हो जाती है आसानी से। तो इन क्वेश्चंस को हमें याद रखना है, बाकी हम लोग देखेंगे आगे, गैस पढ़ेंगे तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पेट्रोलियम ईथर, तो पेट्रोलियम ईथर भी अनेक हाइड्रोकार्बन्स का एक मिश्रण है, जैसे पेप्टेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। मुख्य रूप से आपसे क्वेश्चन आएगा कि पेट्रोलियम ईथर का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, कॉमर्शियल यूज़ क्या है, तो हमारे जो ये बहुत है फैट सॉल्वेंट का, मीन्स जो आपको कि आपसे कहते कि आसानी से वसा किस में घुल जाती है, तो फैट सॉल्वेंट, वसा का विलायक कौन है, तो हम क्या बताएंगे, पेट्रोलियम ईथर। देखते हैं आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेंजीन। तो आपसे इस बार भी एग्जाम में एसएससी के पेपर में इस बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, और क्वेश्चन क्या आया हुआ था, तो जिन लोगों ने पेपर दिया होगा उनको पता होगा कि बेंजीन एक प्योर, इसको हम कहते, सबसे पहली बात है बेंजीन क्या है, बहुत सारे लोग क्या कहते थे कंपाउंड है, लेकिन ये क्या प्योर हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि C6H6, ठीक है, C6H6 बेंजीन है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा गया कि बेंजीन में एक चेन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देता है, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन है हाइड्रोजन, कहते हैं एंगल पर होते हैं चारों तरफ हाइड्रोजन, एक तो आपसे ये क्वेश्चन यही आया था, कितना हम जानते हैं सर्कल 360, तो तीनों का जो जुड़े रहते हैं कितने डिग्री पर, 120 डिग्री पर, क्वेश्चन यही आया था कि कितने एंगल पर कार्बन हाइड्रोजन का इनका एंगुलर जो रिंग आपका बनाता कितने डिग्री पर होता है, 120 डिग्री पर। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बेंजीन के स्ट्रक्चर में कितने डिग्री का एंगल बना होता है, तो 120 डिग्री का। और बेंजीन एक बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट है लगभग जीवन का, बहुत सारे जितने भी केमिकल प्रोडक्ट हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बेंजीन जुड़ी रहती, और ये कैंसरकारी भी अधिक मात्रा में होता है, हमें कैंसर भी हो सकता है, आपका लीवर कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए आगे देखेंगे इसको हम लोग।
जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने बताया, ठीक है बहन जी। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको फॉलो करेंगे। आगे देखते हैं, डीजल। डीजल भी एक हाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्राप्त प्रोडक्ट है, तो डीजल का यूज़ कहाँ करते हैं? हैवी वाहन्स में, तो ये भी हाइड्रोकार्बन्स का रूप है। तो इसका केमिकल फार्मूला C12H24, ठीक है C12H24। तो बहुत ही कॉमन है, हम जानते हैं डीजल क्या है, हाइड्रोकार्बन्स है, और इसका टेक्निकल फॉर्म पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी जो लोग याद कर सकते हैं क्योंकि CDS NDA में ही पूछा गया था, तो मैंने उसको लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही हैवी वाहन्स में यूज़ होता है। हाँ, आगे का जो क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ डीजल्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, भाई डीजल के कितने प्रकार होते हैं? तो सबसे पहली बात कि किस बेस पे, जैसे हम लोगों ने देखा था कोयरे कितना प्रकार का था, 4, एंथरसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। तो किसके बेस पे हम लोग कोयले का डिवीजन किया था कि अमाउंट ऑफ कार्बन, जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन उसमें। तो लेकिन यहाँ पे डीजल को हम किसके आधार पे अलग अलग टाइप्स में, 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं? तो अमाउंट ऑफ सल्फर। अभी हमने क्या कहा था, डीजल पेट्रोलियम क्या है, हाइड्रोकार्बन्स और सल्फर का मिश्रण, एक यौगिक है। अब यौगिक होने के कारण तो किसके बेस पे, तो जिसमें जितना ज़्यादा सल्फर होगा वो उतना ज़्यादा प्रदूषणकारी होगा, और जिसमें जितना कम होगा सल्फर उसमें कम। तो यहाँ पर देख लेंगे, स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। तो पहला टाइप का डीजल डी आई क्यू मीन्स डीजल ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी। इन्फीरियर मीन्स घटिया। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, सबसे घटिया किस्म का डीजल कौन है? DIQ। कितना इसमें सल्फर का अमाउंट कितना होता है? 0.5%। तो इसमें सबसे अधिक सल्फर होता है, और जब जलेगा तो क्या होगा, अधिक प्रदूषण करेगा। तो मोस्ट पॉल्यूटेंट कौन सा टाइप का डीजल होता है? DIQ। दूसरा होता है हमारा LSD। LSD मीन्स लो सल्फर डीजल, ऐसा डीजल जिसमें थोड़ी सी कम होती है। तो इसमें जब सल्फर की मात्रा 0.1% होती है, ठीक है, तो सल्फर डीजल 0.05% DSL, तो उससे थोड़ा सा बेहतर होता है ये, ठीक है। उसके बाद अल्ट्रा लो सल्फर डीजल, इसमें काफ़ी कम होता है, इसमें 0.01%। और आजकल जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं मार्केट में, यही बिकता है अल्ट्रा लो सल्फर डीजल, इसीलिए इसको हम लोग सिटी डीजल के नाम से क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिटी डीजल के नाम से किस डीजल को जाना जाता है आजकल, जो कॉमन यूज हो रहा है, लेकिन इससे भी अच्छी क्वालिटी जो लगातार हम लोग देख रहे हैं, अक्सर एग्जाम न्यूज़ में सुनते हैं यूरो 6 क्वालिटी की कैब, सरकार उसको मान्यता दे रही है, कौन सा डीजल, तो ये सब इसी बेहतर। अगले है जिसको हम लोग आगे भविष्य में इसी को यूज़ होना है, ग्रीन डीजल। इसमें 0.001% सल्फर का मात्रा होगी, और ये सबसे अच्छा होगा, और आजकल यूरो 4 क्वालिटी का जो है उसमें हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ डीजल, बस आपको फुल फॉर्म याद रखने, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा चारों में से सबसे घटिया कौन है, तो घटिया जिसमें सबसे अधिक सल्फर, या किसमें सल्फर की मात्रा सबसे अधिक होती, जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट्स होगा उसमें सल्फर की मात्रा, और सबसे अच्छा कौन सा है, ग्रीन। यूरो 4 मापदंड, यूरो 4 स्टैंडर्ड किस डीजल को मिला हुआ है, इसको सिटी डीजल, ULSD अल्ट्रा लो सल्फर डीजल। चलिए आगे बढ़ते हैं, लुब्रिकेंट्स, स्नेहक। तो भाई लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं? स्नेहक, ऐसी चीज, ऐसे पदार्थ जो हमारे फ्रिक्शन को कम कर दें, क्योंकि जब हमारी मशीनें चलती हैं तो क्या होता है, चलते चलते वो बहुत गर्म हो जाती हैं, और जैसे मशीनें गर्म होती हैं उनका उनकी जो इफिशियंसी है वो कम हो जाती है। तो उनकी इफिशियंसी बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें लुब्रिकेंट्स लगाते हैं, घर्षण लगाते हैं, ऐसी चीज़ें। तो लुब्रिकेंट्स क्या करते हैं, घर्षण। जैसे हम लोग सामान्य रूप से मोबियाइल का यूज़ करते हैं, तेल डाल देते हैं घरों में, अब कई बार हम लोग क्या करते हैं, अब घरों में क्या जो मिलता वही डाल देते हैं, मशीन नहीं चल रही होती मम्मी के कहते, तो क्या नहीं, तो कुछ लोग सरसों का तेल डालते हैं, उल्टा कर देते हैं। अब सरसों का तेल स्टार्टिंग में तो चिपचिपा होता है, हल्का सा उसमें लुब्रिकेंट्स होता है, लेकिन धीरे धीरे सूख के वो बहुत टाइट हो जाता है, तो वो क्या करता है, आपकी मशीन को जाम कर देता है। तो ऐसे क्या हल्के चीज़ें डालनी चाहिए, ना कि सरसों का तेल। तो इसमें देखते हैं लुब्रिकेंट्स अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जैसे हम देखते हैं ग्रीस, तो ग्रीस क्या है, एक सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स है, अर्ध ठोस है, और सामान्य लाइफ में हम इसको
यूज़ करते हैं। इसके बीच में क्या होता है, ये देखिए बहुत अधिक क्या होता है, इसमें जो विस्कोसिटी सियानता काफ़ी अधिक होती है, इसलिए बहुत थोड़ा सा टाइट होता है ये। और ये इसमें किस किस हमें या क्रूड ऑयल से प्राप्त होता है, पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, या हम इसको वेजिटेबल ऑयल से भी प्राप्त करते हैं गर्म करके। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हमारा शुष्क स्नेहक या ड्राई लुब्रिकेंट्स, ड्राई लुब्रिकेंट्स या सॉलिड लुब्रिकेंट्स आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें दो चीज़ों के नाम हमें याद रखने हैं, एक ग्रेफाइट और एक दूसरा मॉब्लिडेनम डाइसल्फाइड। ठीक है, एक हमारा क्या है, ग्रेफाइट है, और दूसरा मॉब्लिडेनम डाइसल्फाइड है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है, इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, देखिए ये कैसे हैं ड्राई लुब्रिकेंट्स, ड्राई लुब्रिकेंट्स होते हैं, इनका यूज़ क्यों कहते हैं। देखिए जो हमारा जैसे हम लोगों ने मोबियाइल डाल दिया, ग्रीस लगा दिया, तो ये बहुत ज़्यादा 300-400 डिग्री सेंटीग्रेड को तो बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन उससे ज़्यादा तापमान हुआ तो ये उड़ जाते हैं। अब बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, जहाँ पर कई कई ऐसी मशीन होती हैं 1400 डिग्री टेम्परेचर हो गया, 1500 डिग्री टेम्परेचर, वहाँ पर आप क्या करेंगे, ग्रीस डाल दिया तो क्या होगा, मोबियाइल डाल दिया होगा, तुरंत उड़ा देगा मशीन, तो उनकी टूट जाएगी, नट बोल्ट टूट कट जाएंगे। तो इसमें क्या किया जाता है, ड्राई सल्फ, इसमें क्या होता है सॉलिड, मशीन में इतनी जगह भी नहीं होती, तो क्या करते हैं, एक रॉड जैसा ग्रेफाइट का रॉड ऐसे लगा दिया, तो ये ग्रेफाइट का रॉड क्या करता है, उसमें धीरे 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 ये अपना क्या करता है, लुब्रिकेंट्स का काम क्या करता है, और ये लगभग 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को भी झेल सकता है। तो अधिक तापमान वाले चीज़ों में, जहाँ बहुत अधिक मशीनों में टेम्परेचर हो जाता है, वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट या मॉब्लिडेनम डाइसल्फाइड जैसे ड्राई लुब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख लेंगे, लुब्रिकेंट्स ऑयल्स, ये भी आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं। आगे बढ़ते हैं, पैराफिन मोम, पैराफिन मोम, तो पैराफिन मोम एक प्रोडक्ट है, ये भी पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है, मोम नॉर्मल जिसको हम वैक्स कहते हैं, लेकिन एग्जाम में अक्सर क्या आ जाता है, पैराफिन मोम। तो ये भी ये कैसा है, नरम होता है, मुलायम होता है, लेकिन इससे प्रोडक्ट बनते हैं, ये बहुत सारे बनते हैं, देखते हैं कौन कौन से, जैसे मोमबत्ती, कैंडल जिसको हम लोग कहते हैं, मोम पेपर, वैक्स पेपर इसको, पॉलिश, जूतों की शू पॉलिश है, ये भी हमें मोम से प्राप्त हो रहा है, हाइड्रोकार्बन्स का प्रोडक्ट है, सौंदर्य प्रसाधन। देखिए जितना पेट्रोलियम का जो कचरा अब निकल रहा है धीरे धीरे, अब उससे हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, जैसे पेट्रोलियम जेली हो गया हमारा, चेहरे पे लगा के आते हैं लोग, हम लोग चमक जाते हैं, लिपस्टिक, लिपस्टिक ये भी किससे है, पेट्रोलियम से, उसका कचरा है, लेकिन हम अपने सौंदर्य में यूज़ कर लेते हैं। तो बहुत जगह इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के रूप में, जहाँ पर विद्युत को कुचालक के रूप में भी हम इसका यूज़ करते हैं। आपसे क्वेश्चन होगा, फूलों का इत्र निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो पैराफिन मोम का करते हैं, और कई बार देखते हैं लकड़ी के ऊपर उसको वाटर प्रूफ बनाने के लिए किसकी कोटिंग किया जाता है, तो मोम चढ़ा देते हैं, एक लेयर लगा देते हैं, अब उसको क्या करते हैं, लेयर लगा दिया तो पानी में ख़राब नहीं होती है। चलिए, तो ये थे पैराफिन मोम, उसके यूज़ आगे देखते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग, एस्फॉल्ट या बिटुमेन। तो आज के टॉपिक का हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, आगे की चीज़ें हम देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं भाई, रोड, सड़क, तो सड़क में जिसको हम लोग कॉमर्शियली, सॉरी नॉर्मल क्या बोलते हैं, डामर, क्या करते हैं, सड़क पे डामर बोलता है, एस्फॉल्ट टेक्निकली हम लोग क्या कहते हैं, एस्फॉल्ट, पुराने समय इसको हम लोग पुराने समय में एस्फॉल्ट कहते थे, आज इसका नाम है बिटुमिन, बिटुमिन के नाम से जानते हैं। तो एक ही चीज़ है, एस्फॉल्ट टर्म आ जाए आपके एग्जाम में, बिटुमिन आ जाए, डामर आ जाए, तो ये भी जो पेट्रोलियम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो लास्ट प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, लास्ट उसका कीचड़, जिसको हम डाइऑक्साइड कहते हैं, रेजिड्यूसरी मटेरियल कह दें, उसका अंतिम है, तो ये गाढ़ा तरल पदार्थ मिलता है जिसका हम लोग सड़क निर्माण में यूज़ करते हैं। तो डामर क्या है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि सड़कों के लिए, या डामर की जो सड़क होती है, एस्फाल्ट की सड़क होती है, उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन, मीन्स उसको सबसे जल्दी ख़राब कौन देख कर देता है, कौन ख़राब करेगा, पानी। तो डामर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, वाटर है हमारा, पानी। इसलिए देखते हैं बारिश में होती है क्या, सड़क ख़राब हो जाती है, तुरंत गड्ढे बन जाते हैं, छूट जाते हैं, इसीलिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, अपने मोहल्ले में सरकार ने सड़क बना दिया, और भाई साहब ने क्या किया, रात में पानी शाम हुई नहीं, पाइप निकाल के खड़े हो गए, और रोज़ छिड़काव कर रहे हैं, 1 घंटे 2 घंटे। हाँ, अब इससे क्या होगा, आप अपना अपना ठंडा नहीं कर रहे, वो सड़क ही ख़राब हो जाएगी। ठीक, तो पानी डामर या एस्फाल्ट बिटुमिन का बहुत बड़ा शत्रु है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, इसलिए उससे बचाना चाहिए। इसलिए सड़कें इस तरह बनाई जाती हैं कि ढाल रहती है, उसमें आसानी से पानी ना रुके और पानी बह जाए और सड़क की लाइफ अधिक हो जाए। तो चलिए आज के टॉपिक में, आज तक हम लोग यहीं पर, तो बहुत सारे हम लोगों ने कमर्शियल प्रोडक्ट पढ़े। आपको अगर किसी तरह की समस्या है, तो आप हमारे इसरो एकेडमी के
डिस्कशन ग्रुप में या हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।